ड्यू लाइसेंस विल एक्सपायर सून, का जो एक्टिवेशन कोड वो ख़त्म होने वाला है जल्दी, तुरंत हमको एक्टिवेशन कोड डालना है। हमको फ्री में कैसे एक्टिवेशन कोड डालना है आइए देखते हैं। चलिए गो टू सेटिंग में जाना है, इसके बाद हमको फाइल मैनेजर में हमको जो केम ऑटोनेट इसको इंस्टॉल करना है। देखिए केम ऑटोनेट अभी इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है वो जो प्रोटेक्शन वाला है, हमारा जो फायरवॉल और रियल टाइम और जो वायरस प्रोटेक्शन वो सारे इसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके लिए हमका हमारा जो केम ऑटोनेट इंस्टॉल नहीं हुआ है। हमको क्या करना है, हमको केम ऑटोनेट इंस्टॉल करने के लिए हमारा जो विंडो डिफेंडर और जो रियल टाइम प्रोटेक्शन और वायरस प्रोटेक्शन सारे को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद देखिए कैसे ऑफ किया है, देखिए मेरा जो ऑफ हो गया सारे। अभी क्या करना है, ऑफ होने के बाद फिर से जाके हमारा जो केम ऑटोनेट इसको इंस्टॉल करना है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमको यहाँ पे हमारा जो विंडो का एक्टिवेशन करना है। देखिए कैसे प्रोसेस में हो रहा है। अभी एक्टिवेशन में देखा है इन्फॉर्मेशन, हमारा इन्फॉर्मेशन में देखने के बाद पता चला कि हमारा जो विंडो 12 मई को ख़त्म होने वाला है। इससे पहले हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो हमको आगे कोई परेशान नहीं होगा। तो चलिए एक्टिवेशन में हम एक्टिवेट कर दिए विंडो को। देखिए अभी मेरा जो विंडो एक्टिवेट हो रहा है। मैं केम ऑटोनेट को मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दे रहा हूँ, जिसको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर सकता है। थोड़ी टाइम लग रहा है एक्टिवेशन होने के लिए, एक मिनट के अंदर और ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अभी एक्टिवेशन हो गया है। एक्टिवेशन होने के बाद फिर से चेक कर लेंगे हमारा जो इन्फॉर्मेशन में, चेक कर लेंगे कितना दिन के लिए और जो एक्सपायरी। अभी देखिए कितना दिन, 11 जून को हो गया हमारा जो एक्सपायरी डेट। फिर से हमको क्या करना है, फिर जो हम जो केम ऑटोनेट इसको हमको अनइंस्टॉल कर देना है। वो ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाएगा और जब हम हमारा जो प्रोटेक्शन वायरस प्रोटेक्शन और जो रियल टाइम इसको विंडो डिफेंडर सारे को ऑन कर देंगे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। देखिए फिर से हमारा जो प्रोटेक्शन वाला और जो जिसको ऑफ किए थे अभी सारे को ऑन कर देंगे तो हमारा जो विंडो अभी एक्टिवेट हो गया। विंडो एक्टिवेट होने के बाद देख लीजिए, कंट्रोल पैनल में जाके देख लीजिए हमारा जो विंडोज प्रोडक्ट के साथ एक्टिवेट हो गया है।